Good morning, children. Hope you all are doing well. Yesterday we have read the story, that is Nasruddin's aim. Today we'll do the exercises of this story. So I will explain you exercise. Please listen to me very carefully. Now first exercise is given at page number 50. Yes, children, open your page 50 in your book. Now the exercise is shoot the arrow and hit the target by matching the words with their correct spelling. यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्या करना है, मैच करना है इसके टारगेट से. तो देर आर सो मैनी वर्ड्स आर हेयर इन द एरो, लाइक चैटिंग, अमेजमेंट, आर्चरी, डिफेंडिंग, टारगेट, डिफेंटली. तो आपको देखना है व्हाट इज चैटिंग. चैटिंग क्या होता है? चैटिंग इज टॉकिंग इनफॉर्मली. अमेजमेंट, आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, अमेजमेंट इज अ सरप्राइज, होता है ना, ग्रेट सरप्राइज. यू हैव टू मैच अमेजमेंट विद ग्रेट सरप्राइज. Archery, what is archery? Archery is a shooting with bow and arrow. Defending, defending means अपने को protect करना, protecting from attack. Target, target is the goal intended to be hit. Triumphantly, triumphantly, happily and proudly. You have to match in this page, you have to do matching in this page. Now children, look at the page number 51 in your book. Exercise number 2. Replace the bold words with a word from the cue and rewrite the sentences. आपको there are so many sentences are given here. आपको क्या करना है, जो ये bold words है ना, ये हर sentence में एक bold letter में word लिखा हुआ है black color का, you have to replace the word with the word given in the cue. जो इस cue में जो word दिया हुआ है उससे इसको replace करना है. जैसे first example, in no time she hit the object she aimed at. तो द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, एम्ड एट, तो यू हैव टू रिमूव दिस वर्ड विद द टारगेट. तो यू विल राइट लाइक दिस, इन नो टाइम शी हिट द टारगेट. राइट द फुल सेंटेंस. आपको क्या करना है, इस बोल्ड लेटर को रिमूव करना है, द वर्ड गिवन इन द क्यूअर. लिसन टू मी केयरफुली चिल्ड्रन. आपको एंड राइट द सेंटेंस हेयर इन द गिवन स्पेस. यू हैव टू राइट द सेंटेंस. नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, ये लेट्स राइट है, एक्सरसाइज नंबर 1 है, सॉरी. Now, in this exercise, this is a picture of Rahul Gupta. ये एक boy है जिसका, his name is Rahul Gupta. Using the clues given, आपको ना पीछे clues दिए हुए हैं, write a paragraph about him in your notebook. आपको क्या करना है, ये यहाँ पे लिखा है notebook, लेकिन बेटे आपको book में ही, children आपको you have to write paragraph in the book, क्योंकि there, yes, turn your page. लुक इट हेयर, यहाँ पे देखो क्लूज आर गिवन हेयर. ये क्लूज लिखे हैं ना, इंडियन, क्रिकेट, 8 hours, प्रैक्टिस, ईट हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे, बैट्समैन. तो आपको क्या करना है, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट पैराग्राफ अबाउट द राहुल गुप्ता बाई यूजिंग दीज वर्ड्स. आपको इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो राहुल गुप्ता है ना, उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है, लाइक राहुल गुप्ता इज एन इंडियन क्रिकेट प्लेयर, लाइक दिस. ओके बेटा, नाउ एक्सरसाइज नंबर 2 है, दिस इज, इसमें क्या है, दिस इज राजीव फैमिली. एक राजीव फैमिली दी हुई है, जैसे फादर, मदर, सीता, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, राजीव. यहाँ पे राजीव की फैमिली हुई दी हुई है. दे आर अ हैप्पी हेल्दी फैमिली. एक हेल्दी फैमिली है. सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी. अब यहाँ देखना है कि वो क्या करते हैं अपने को हेल्दी रखने के लिए. तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज चिल्ड्रन, लुक एट हेयर. यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखो, यूज़ द वर्ड्स एंड और बर्ड एंड मेक एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव फैमिली. आपको क्या करना है, राजीव की फैमिली के बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं बाय यूजिंग एंड एंड बट. एंड और बट का यूज़ करते हुए आपको राजीव की फैमिली के सेंटेंस बनाने हैं. देखो, एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा. देखो, दो मेम्बर्स ले लिए हमने, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो कब उठते हैं, सुबह उठते हैं. अब यहाँ पे इन्होंने एंड का यूज़ किया है, ठीक है ना, टू मेम्बर्स के साथ. सेकेंड इज ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग. देखो, ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं ग्रैंडपा, एंड राजीव क्या कर रहे हैं, जॉगिंग. तो बट मीन्स लेकिन. तो यू हैव टू राइट सेंटेंस लाइक दिस. यू हैव टू यूज एंड बट एंड मेक सेंटेंसेस एज मैनी एज पॉसिबल. नाउ टर्न योर पेज, लेट्स प्ले. द एक्टिविटी, हेयर इज द एक्टिविटी.
यहाँ पे क्या करना है आपको, वॉट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी, फिल इन द ग्रेड विद वर्ड्स गिवन बिलो. यू कैन यूज़ वन वर्ड्स मोर देन वंस. आपको एक ग्रेड में वर्ड्स दिए गए हैं, यू कैन यूज़, आप यूज़ कर सकते हो एक वर्ड को एक से ज़्यादा बार. मोर देन वंस लिखा है ना, एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो. जैसे यहाँ पे राइट, यहाँ पे देर आर फोर कॉलम्स बने हुए हैं ना. फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ द गेम लिखा है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल. सेकेंड में वॉट यू प्ले विद, कि आप इस गेम को कैसे खेलते हो. जैसे क्रिकेट को खेलते हो आप बैट बॉल, हॉकी को हॉकी स्टिक एंड बॉल लाइक दिस. वेयर यू प्ले इट, कहाँ खेलते हो, जैसे ग्राउंड में खेलते हो या घर में. जैसे क्रिकेट को हम ग्राउंड में खेलते हैं तो राइट इट इन द ग्राउंड. नंबर ऑफ प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स इन द क्रिकेट, क्रिकेट में कितने प्लेयर्स हैं, वहाँ पे प्लेयर्स लिखेंगे हर गेम के. हॉकी में कितने हैं, टेबल टेनिस में कितने हैं, फुटबॉल में कितने प्लेयर, हाउ मेनी प्लेयर्स इन फुटबॉल. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज बेस्ड इन दिस एक्टिविटी. Using the information in the grid, write a sentence about each game. One has been done for you. आपको क्या करना है, ये जो information है ना grid की, ये जो आप यहाँ पे information लिखोगे सारी, इसको क्या करना है, आपको sentence में लिखना है हर game के बारे में. One has been done for you, आपके लिए एक किया गया है. Like cricket के लिए कर दिया उन्होंने, देखो cricket is an outdoor game, बाहर खेलते हैं ना, it is an outdoor game. We play it with ball and bat and a ball. हमसे किसे खेलते हैं, bat and ball से खेलते हैं. There are 11 player in this 11 players in this game, और इस game में 11 players होते हैं. ऐसे ही आपको करना है, you have to write information about the hockey, table tennis and football. यहाँ पे space दिया हुआ है ना आपको, यहाँ पे जो space दिया हुआ है आपको लिखना है इन सब के बारे में. Like you have to follow like this. Now question number third, देखो यहाँ पे बेटा, yes the following words are used in a various sports. कुछ ये words दिए हुए हैं जो कि sports में use होते हैं. List them under the sport that they are used in. आपको ये देखना है कि ये words कौन से sport में use होते हैं. देखो three sports are given here, hockey, cricket and football. And words are googly, goal, LBW, penalty, free kick, penalty, corner. तो आपको ये देखना है कि ये words कहाँ पे use होते हैं, फिर उस game के अंदर आपको ये words लिखने हैं. So yes, I hope you have understood the exercises. Yes, beta, thank you.